मैंने काले बाजार का धंधा किया है। मैंने लोगों का अधिकार छीना है। जब लोग भूख से मर रहे थे, तो हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। जब शहर में बीमारी फैली, तो हमने सारी दवाइयाँ छुपा दी और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पे छापा मार सकती है, तो हमने वही दवाइयाँ गंदे नालों में फेंकवा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपनी हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। बानी ठीक कहता था, मैं आदमी नहीं हूं, एक खूंखार दरिंदा हूं। जिन दवाइयों से बानी की जान बच सकती थी, उसका एक ढेर हमारे गोदामों में बंद था। मगर बानी के पास दाम नहीं थे, वो मर गया। मेरा भाई मर गया। अपने हमदर्द भाई की मोहब्बत का ये बदला दिया मैंने उसे। अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। मेरे इन नापाक हाथों में बानी का मुकद्दस खून लगा है। ये धब्बे, ये दाग कभी नहीं धुल सकते। मेरे माथे पे लगा कलंक कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए शायद आपके कानून में कोई मुनासिब सजा ना हो। हम इस धरती पे सांस लेने लायक नहीं हैं। हम इंसानों में रहने लायक नहीं हैं, इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। हमारे गले घोंट दिए जाएं, हमें दहकती आगों में जलाया जाए, हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दिया जाए, ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पे हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूकें और अपनी ठोकरों से हमारे गंदे जिस्मों को रौंद डालें। ये मेरे साथियों के नाम, उनके पते हैं। ये सब के सब मेरी तरह मुजरिम हैं। ये सब के सब मेरी तरह खूनी हैं। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है, मगर इस तरह दूसरों को लूटना, भूखों की रोटी छीनना, मासूम और गरीब लोगों को व्यापार के नाम पे बर्बाद करना, उन्हें मार डालना, किसी का अधिकार नहीं है।